नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुंबई में 25 लाख की चोरी हुई है, जिसमें साहिबगंज के राधा नगर थाना क्षेत्र से 25 लाख में से 4 लाख के रुपए बरामद हुए हैं। मुंबई पुलिस ने दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्कोटा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि रुपए की बरामदगी साहिबगंज जिले के राधा नगर थाना क्षेत्र के हाजी टोला मध्य प्यारपुर एवं राजमहल के हसन टोला से की गई है। मामले में सम्मिलित दो चोर की गिरफ्तारी एवं रुपए की बरामदगी मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से की है। इस संबंध में सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्कोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित के बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई महानगर के माता रामाबाई मार्ग पर टन रोड मुंबई थाना क्षेत्र के मुसाफिर खाना रोड स्थित मोरिसवाला बिल्डिंग में अवस्थित ओशियन गैलरी गिफ्ट की दुकान से 25 लाख रुपए की नकद चोरी 6 जुलाई को की गई थी। मुंबई पुलिस के अनुसंधान में तकनीकी एवं अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि चोर साहिबगंज जिले की राधा नगर थाना क्षेत्र के हैं। मुंबई पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साहिबगंज पुलिस से अनुरोध किया। साहिबगंज पुलिस के द्वारा राधा नगर थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। गठित टीम के सदस्यों ने त्वरित छापामारी करते हुए घटना में शामिल गुलाल मोहम्मद पिता नूर इस्लाम अब्दुल रहमान हाजी टोला मध्य प्यारपुर थाना राधा नगर जिला साहिबगंज को 3,01,000 के साथ तथा मोती उर्फ मोटू पिता रहमान खुर्शीद हसन टोला थाना राजमहल जिला साहिबगंज से 1,00,000 के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुंबई पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए चोरी की गई राशि में से 4,01,000 रुपए बरामद की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। शेष रकम की बरामदगी के लिए इस मामले में मुंबई पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई पुलिस के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं एक अन्य मामले में राधा नगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को देसी पिस्टल एवं दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राधा नगर थाना क्षेत्र के माजिद टोला दक्षिण पलाश गाछी का रहने वाले एक व्यक्ति इसरा उल हक देसी कट्टा लेकर अपराध करने एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपने गांव में ही घूम रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर राधा नगर थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल के नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल एवं दो कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति इसरा उल हक का पुराना आपराधिक इतिहास है। झारखंड लघु खनिज समुदाय नियमावली के तहत भी उस पर मामला दर्ज है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बताया, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक साहिब। महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस थाना कांड संख्या 721 में हम लोगों से सहयोग मांगा गया, जिसमें 25 लाख की शॉप से चोरी के संबंध में था और पुलिस ने अपेक्षित सहयोग दिया, जिसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दुलाल मोहम्मद और मोतीपुर और मोटू है और इनके पास से लगभग 4,01,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह मुंबई पुलिस को सहयोग प्रदान करते हुए एक बेहतरीन गिरफ्तारी की गई और नगद की बरामदगी भी की गई। मुंबई पुलिस की टीम भी हमारे पास है, साथ में अफसर हमारे बैठे हैं और इनको हम लोगों ने सहयोग दिया है, जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई। ये सारी टीम बनाई गई पंद्रह बीते दिन 17/7 को राधानगर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि मस्जिद टोला दक्षिण पलासवानी में एक क्रिमिनल हथियार के साथ सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के लिए तथा उस गांव में छापेमारी के दौरान राहुल हक नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर घर की एक पिस्टल और दो गोली जिंदा बरामद किया गया है। और इस तरह इस छापेमारी दल ने अवैध हथियार के साथ असराफुल नामक युवक को पकड़ा है, जो एक गंभीर अपराध है। इसका पूर्ण एक आपराधिक इतिहास रहा है, जो खनिज संपदा से अवैध उत्खनन से संबंधित।